हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं, यानी अगर आप अपने पूरे दिन का बस 5 मिनट भी सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे देश में कोरोना से जंग के अलावा भी एक और जंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जंग। अब देखो यार, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन ज़्यादा ऊपर है। आपने यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स दोनों की बातें सुन ही ली होगी, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों ऐप से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। दोस्तों, ये तो सभी जानते होंगे कि यूट्यूब कंपनी गूगल के अंडर आती है, पर क्या आप ये बात जानते हैं कि यूट्यूब की जिन्होंने शुरुआत करी थी वो पेपाल के एम्प्लॉय थे। स्टीव जैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम, इन तीनों ने मिलकर 2005 में यूट्यूब बनाया था। ये तीनों पेपाल में साथ ही काम करते थे। इसके बाद 2006 में गूगल ने इसे 1 अरब 65 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। आज पूरी दुनिया में करीब 130 करोड़ लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर डेली लगभग 5 बिलियन वीडियोस को देखा जाता है। जिस तरह से युवा लड़के और लड़कियों में यूट्यूब का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इसे देखकर लगता है कि सन 2025 तक 32 साल से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति टीवी पर चैनल का पैक सब्सक्राइब नहीं करवाएगा। दोस्तों, YouTube पर जो सबसे पहली वीडियो डाली गई थी वो इसी के फाउंडर जावेद करीम ने डाली थी, जिसका टाइटल मी एट द जू था, जिसे आप आज भी YouTube पर देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट व्यूज से रिलेटेड है। क्या आप जानते हैं कि YouTube पर सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली वीडियो कौन सी है? दोस्तों, ये है डेस्पेसिटो सॉन्ग, जिसको अभी तक 6.7 बिलियन व्यूज मिले हैं। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भारत देश का टी सीरीज है, जिसके आज तक के सब्सक्राइबर्स 138 मिलियन हैं। आज YouTube पूरी दुनिया में 76 से भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये था YouTube। तो चलिए अब TikTok की बात करते हैं। TikTok का नाम पहले Musical.ly था। अगस्त 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि ByteDance की पेटेंट कंपनी TikTok ने म्यूजिक एप्लीकेशन की सफलता देखते हुए इसे 1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। फिर दोनों को मर्ज करके एक नई ऐप TikTok लॉन्च कर दिया गया, और आज TikTok ऐप की कीमत लगभग 75 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, आज भारत में लगभग टिकटॉक के 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो पूरी दुनिया में लगभग इसके 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो कि रोजाना टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ टिकटॉक दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि टिकटॉक के 41% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 से 24 साल तक की है। टिकटॉक पूरी दुनिया में 75 से भी ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, और टिकटॉक पर डेली लगभग 13 मिलियन वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अगर बात करें टिकटॉक की कमाई के बारे में, तो ये ऐप हर महीने 1.4 मिलियन डॉलर कमाती है। और भाई, जो लोग टिकटॉक में कंटेंट की बात करते हैं, उन्हें बता दूं कि टिकटॉक पर 43% वीडियोस केवल स्पेलिंग वाली होती हैं, यानी कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है और क्रिएटर होंठ से लिपसिंग कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थे टिकटॉक के फैक्ट्स। मैंने आपको इन दोनों के फैक्ट्स बता दिए हैं, जिनसे आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों ऐप अपनी जगह ठीक है और आज की डेट में खूब प्रॉफिट कमा रही है। ये दोनों ही ऐप नए क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म देती है। अब ये क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो इसका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप बेकार कंटेंट पोस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके कंटेंट पर सवाल उठाएंगे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।